गर्मी के दिनों में पेट में अल्सर होना खतरनाक और जानलेवा होता है। हम बात कर रहे हैं पेट के अल्सर की, पेप्टिक अल्सर की, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। पेट के अंदर की सतह पर छाले हो जाते हैं जो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। यह समस्या गर्मी के दिनों में ज़्यादा होती है और पेट में जलन और आग की तरह महसूस होता है। यही अल्सर का खास लक्षण है। पेट का अल्सर यानी पेप्टिक अल्सर दो तरह का होता है, पहला गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा ड्यूडिनल अल्सर। इसका वक्त पर अगर इलाज ना किया जाए तो अल्सर के रोगी की मौत भी हो सकती है। पेट के अल्सर की बात करें तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो ये हैं कि रोगी को पेट में बहुत दिक्कत होती है, जैसे पेट में दर्द होना, पेट में जलन, उल्टी में खून आना, और कुछ वक्त बाद वह अल्सर फट भी सकता है, तब ये जानलेवा बन जाता है। ड्यूडिनल अल्सर के खास सिम्टम्स हैं खाली पेट में दर्द होना और खाना खाने के बाद में ये दर्द का अपने आप ठीक हो जाना, मल से खून आना, बदहजमी होना, वज़न अचानक बढ़ जाना और सीने में जलन होना। इससे पेट में बार बार दर्द होगा और पेन किलर या एंटी एसिड की दवा जैसे पेट आप लेओगे तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। यही इस अल्सर का खास लक्षण है। इसके अलावा पेशेंट को और भी कई मुश्किलें आती हैं, जैसे मिचली आना और पेट में लगातार जलन होते रहना। अब बात करते हैं स्टमक अल्सर की। ये अत्यधिक पेन किलर लेना, उससे हो सकता है चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करना, गरम मसाला युक्त भोजन का भी ज़्यादा सेवन करने से स्टमक अल्सर होने लगता है। इसके अलावा ज़्यादा टेंशन में रहना, खान पान आपका गलत होना, डेली रूटीन जो आपका लाइफस्टाइल है वो सही ना होना, स्मोकिंग ज़्यादा करना। तो आपने देखा अल्सर एक बहुत ही जानलेवा और ख़तरनाक बीमारी है। इसको हम घरेलू नुस्खों से पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके लिए कारगर कुछ घरेलू नुस्खे। शहद, ये पेट के अल्सर को कम करता है। शहद में ग्लूकोपरॉक्साइड होता है जो पेट में जो बैक्टीरिया है उनको ख़त्म करता है और अल्सर के रोगी को आराम देता है। कोकोनट, ये नारियल अल्सर को बढ़ने से रोकता है। ये पेट में पाए जाने वाले कीड़ों को भी मार देता है जो अल्सर को बढ़ाते हैं। नारियल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए अल्सर के रोगी को नारियल पानी और नारियल का तेल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपको अल्सर की समस्या है तो आप आज और अभी से नारियल पानी का सेवन शुरू कर दें और अल्सर से निजात पाने में नारियल पानी आपकी बहुत मदद करेगा। लहसुन, लहसुन की कलियों को पीस लें और इसका जब आप सेवन करते हैं तो इससे अल्सर में आराम मिलता है, क्योंकि इसमें मौजूद एलिसन आपके पेट में एसिड के लेवल को बैलेंस करता है। इसे रोज़ खाने से अल्सर से बचाव हो सकता है। पत्ता गोभी और गाजर का रस, इन्हें मिलाकर जब पीते हैं तो गोभी में मौजूद लैक्टिक अमीनो एसिड अल्सर को कम करने में मदद करते हैं। मेथी दाना, ये अल्सर के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। एक चम्मच मेथी दाने को एक गिलास पानी में लें और उसे ठंडा करके छान लें। शहद का एक चम्मच इस पानी में मिलाएं, फिर उसका सेवन दो दिन में एक बार जरूर करें। ये अल्सर को जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। बादाम, इसको खाने से भी बहुत फ़ायदा होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ये अल्सर से बचाने में बहुत इफ़ेक्टिव है। हम ये देखें कि क्या सावधानी रखी जाए जिससे अल्सर ना हो। खाली पेट ना रहें, सुबह उठने के बाद ज़्यादा देर तक खाली पेट रहने से बचें। इससे पेट में एसिड का लेवल बैलेंस नहीं रहता, अल्सर के चांस बढ़ते हैं। सुबह उठते ही बादाम या सेब जैसी चीज़ें खाएं। ज़्यादा चाय ना पिएं, गरम मसाले, चाय, कॉफ़ी, दूध और मीट अवॉइड करें, इससे अल्सर की संभावना बढ़ती है। इससे एसिडिटी और पेट में जलन हो सकती है। ज़्यादा खाना ना खाएं, एक साथ ज़्यादा खाना खाने से बचें, इससे आपकी पेट के आंतों पर दबाव बढ़ता है और अल्सर के चांस बढ़ते हैं। दिन में कम चार बार कम मात्रा में हेल्दी चीज़ें खाएं, फ़ायदा होगा। वॉक करने से फ़ायदा होता है, खाना खाने के बाद वॉक करें, इससे आपका डाइजेशन सही रहता है, अल्सर के चांस कम होते हैं। चाहे तो योग करें, इससे पेट की अन्य प्रॉब्लम भी दूर होती है।
तो देखा आपने अल्सर कितनी ख़तरनाक बीमारी है, और इससे बचने के लिए पहले सावधानी रखें, और अगर आपको हो भी गई है तो कुछ घरेलू नुस्खों को प्रयोग कर आप इससे अपना निजात पा सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए फिर कुछ ऐसा ही खास और लाभदायक चीज़ नुस्खा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।